सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 29 से 33 तक इकट्ठे चैंट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 से लेके 33 तक चैंट करेंगे। प्रकृतैर्गुण संमूढा कृष्णविन्दविचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् वेद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 29 से शुरू करेंगे। मोह को दूर करने के 3 श्लोक हमने डिस्कस करे थे, 27, 28 और 29। 29 आज हम कर रहे हैं और तीसरे श्लोक में टेक्निक ऑफ राइट एक्शन बताई जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं भगवद गीता में 701 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, हर अध्याय का कोई ना कोई एक विषय है। सबसे पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग नाम है, दूसरा का सांख्य, तीसरा का कर्म, चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास, पांचवे का कर्म संन्यास करते 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 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। सो पूरी गीता जो है वो एक जर्नी है, गीता जी एक जर्नी है फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन। पहला विषाद है अध्याय और आखिरी है सेल्वेशन, मोक्ष, मुक्त। हर आदमी मोक्ष चाहता, फ्रीडम चाहता, हर आदमी स्वतंत्रता चाहता, और स्वतंत्रता, बाहरी स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, आजकल तो वो भी नहीं मिली, आजकल तो वो भी बंद है। तड़प रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि वो फ्रीडम चाहते हैं। हमें एक्सटर्नल फ्रीडम, कहीं भी जाएं, कहीं खाएं, कुछ पहने, कुछ करें, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और उसके लिए हम लड़ते भी हैं, बिल्कुल लड़ते, दुनिया भरी हुई है ब्लड बाथ्स, खून से रंजित पूरी की पूरी दुनिया। क्या चाह रही है दुनिया? फाइट करती है फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, और उस आजादी के लिए खून बहाया जाता है और मिलती भी आजादी, ऑफ कोर्स भारत आजाद हो 1947 में। लेकिन वेदांत दूसरी आजादी की बात करता है, वो आजादी की बात करता है अपनी डिजायर से आजादी, अपनी कामनाओं से आजादी, अपनी इच्छाओं से आजादी। गुलाम है हम अपनी इच्छाओं, गुलाम है अपनी कामनाओं। भी कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था, बता रहा था मुझे कि एक सिगरेट लेने की बीड़ी के लिए लोग दो दो तीन तीन किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं, इतनी दूर दूर जा रहे हैं।
आजकल बैंड एक छोटी सी बीड़ी के लिए पता नहीं कहां कहां गया, किसी ने बताया मुझे, फोन पे आई बात। कहने का मतलब क्या है? निर्भर है। किस पे निर्भर है? एक बीड़ी पे, एक सिगरेट पे, एक अल्कोहल, एक नॉनवेज पे, या किसी भी चीज, चाय पे। आई एम नॉट सेइंग कि चाय अच्छी। तो जब वेदांत स्वतंत्रता की बात करता है तो सिर्फ आर्थिक और बाहरी स्वतंत्रता तो है ही, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। हर कोई लड़ता जॉब चाहता, प्रोफेशन चाहता, करियर चाहता, क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। चाहे आपके माँ बाप आपकी केयर कर सकते हो उम्र पर, लेकिन सम्मान हमें कब मिलता है? जब मेरे पास अपनी खुद क्षमता हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फिजिकल फ्रीडम भी चाहिए, दाम दे आपको तो पसंद नहीं है, इसलिए तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग। घरों के बाहर से चीजें गिर रही हैं। क्यों गिर रही हैं? क्योंकि लड़ाइयां हो रही हैं अंदर घरों में, लड़ाई बिल्डिंग से नीचे आ रहे बर्तन। आई एम नॉट जोकिंग, दैट इज द फैक्ट। आपको शायद पता ना, मेरे पास बहुत खबरें आती रहती। क्यों? क्योंकि कितनी देर टिको गया? स्वतंत्रता चाहिए बाहर की, लेकिन वेदांत जो स्वतंत्रता की बात कर रहा है वो बहुत ही सूक्ष्म है। समझ ही नहीं आती लोगों को। अप्लाई तो तब करेंगे जब पहले समझ आएगी। जब वेदांत स्वतंत्रता की बात करता है तो वो बात है डिजायर से, मोक्ष संन्यास योग आखिरी अध्याय। तो तामसिक आदमी बहुत ज्यादा बंधनों में, रासिक बंधनों में, और उसे पता है वो बंधनों में। तामसिक आदमी बंधनों में है लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो बंधनों में, समझिएगा। तामसिक आदमी बंधनों में लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो बंधन है। राजसिक आदमी बंधनों में है और उसे पता है कि वो बंधनों में। और सात्विक आदमी बंधन तो है लेकिन उससे वो धीरे 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 मुक्त हो रहा है, मुक्त हो रहा है। अपने कभी पतंग उड़ाई हो? पतंग में चरखी होती है और चरखी कई बार गुंजल में फंस जाते हैं, धागे गुंजलों में फंस जाते हैं। बड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है, बड़े ध्यान से। यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो गुंजल और फंस जाती है। तो ये दिमाग में डिजायर में गुंजल डाली, इंटरनॉट्स बहुत ज्यादा गुंजल है। तो ध्यान से करना पड़ेगा, डिजायर से मुक्त होना। और डिजायर से मुक्त होना सेल्फ रियलाइजेशन है। डिजायर से मुक्त होना मोक्ष, डिजायर से मुक्त होना परम सुख। क्योंकि जैसे डिजायर से मुक्त हुए क्रोध से मुक्त हुए, जैसे डिजायर से फ्री हुए एंगर से खत्म हुए, फियर खत्म हुआ, ग्रीड खत्म हुआ, एंग्जाइटी खत्म हुआ। आपको अगर सर डिजायर छोड़ दें तो जिएंगे कैसे? ये जीना भी कोई जीना लल्लू, हम जी नहीं रहे, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं मौत का, डेट्स ऑल। 10 डिजायर खत्म होती है, 100 नहीं और बना लेते। तो अच्छे किसान बनिए। जो बेकार के दिमाग में डिजायर है वो खरपतवार है, वो वीड्स है, वो मोह में फंसाती है, मोह में फंसाती है बेकार की डिजायर। और ये डिजायर आपको क्या करनी है? कट असंडर। कट असंडर मतलब उसको वैराग्य से काटना, वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना उसको। देर बाद मेन जो डिजायर है वो फल फूले। तो आप अपने मंत्रकरण में ये 40 दिन जो आपको चलिया मिला है इसमें 40 दिन एनालाइज कीजिए। ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स में मूवी देखिए, आई एम नॉट सेइंग मत देखिए, लेकिन एनालाइज कीजिए कौन सी डिजायर मेरी असेंशियल है और कौन सी डिजायर मेरी नॉन असेंशियल है, अर्थात कौन सी कामना जरूरी है और कौन सी कामना जरूरी नहीं है। और जो गैर जरूरी डिजायर्स है उसको अप्रूव कीजिए, उसको डिलीट मारिए। इससे होगा क्या? जो असेंशियल डिजायर है उस पर ऊर्जा ज्यादा है, और जो वो डिजायर भी परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो फसल को उसको भी काट देते हैं। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। सो हम सब लोग डिजायर के मोह में फंसे हैं। दो तरह की डिजायर होती है, ऑब्जेक्ट की और बीइंग की। दो तरह की डिजायर है,
मेरी डिजायर है इस घड़ी की, बार बार घड़ी एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि सामने पड़ी है, कोई और एग्जाम्पल भी है जस्ट बिकॉज सामने है तो घड़ी दे दूंगा मैं, तो कोई भी है। ये 20 साल चली, 15 साल चली, मेरा इससे संबंध, मेरी डिजायर है कि ये घड़ी सही टाइम पे सही बताए सब कुछ करे, और 20 साल चली और 20 साल बाद खराब हो गई, क्या होगा मुझे? 20 साल चली उसके बाद खराब हो गई, मैं रिपेयर करा दूंगा, रिपेयर होने से भी नहीं ठीक हुई, एक्सचेंज ऑफर में नहीं ले लूंगा, वो भी नहीं आ रही तो किसी को दे दूंगा, छोड़ दूंगा, कहीं पड़ी रहे। 20 साल ये घड़ी चली, मेरा संबंध है दो चीजों से, वस्तुओं से और व्यक्ति से, 20 साल घड़ी सही चली और खराब हो गई, भाई ना तो 20 साल कोई व्यक्ति सही चला वो खराब हो गया, मूड खराब हो गया, वो चेंज हो गया, वो अब वो नहीं रहा जैसे वो पहले था, या अब क्या होगा? स्यापा, घड़ी को तो ठीक करा सकते हो आप, व्यक्ति को कैसे ठीक कराओ? तो भगवान जी ने गुण बताया, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, श्लोक नंबर 28 में हमने किया था, श्लोक नंबर 28 में कहा जो लास्ट श्लोक में, एवरीवन फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर टेम्परमेंट, ये सॉर्बिट्रेट है, रखिएगा अपने पास हमेशा, ये सॉर्बिट्रेट है आइडियाज, हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स, जस्ट डिसॉल्व इट, कई आइडियाज, जैसे वो मैं अपने गुरुजी के साथ का अनुभव बताता हूँ, जो छतरी लेके मैं जा रहा था मलवली से लेके आश्रम तक, मलवली स्टेशन है आश्रम तक, बारिश हो रही थी और एक आदिवासी ताड़ी पी के जमीन पे पानी पे कीचड़ पे खड़ा गिरा हुआ था, मेरे मुंह से यक बयक निकला, व्हाट इज स्टेट, क्या स्टेट है इसकी? मेरे गुरुजी साहब थे, सर बोलते ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति भी दुनिया को ऐसे ही देखता है जैसे हम इसको देख रहे, इट वॉज लाइक अ महामंत्र टू मी, मृत्युंजय पाठ और गायत्री मंत्र और महामंत्र होंगे, जरूर होंगे, I accept those mantra as a great respect, लेकिन मेरे लिए वो मंत्र था कि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति भी हमें ऐसे ही दिखता है जैसे हम उस ताड़ी हुए पीड़ित व्यक्ति को देखते। सो हम सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई कमेंट आपको मुझको हिट करते हैं, वो गुरु मंत्र ले लीजिए। लोग कहते सर आप दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा नहीं देता, ना मुझे मिली है ना मैं देता हूं। कई लोग कहते सर आप व्हाई डोंट यू गिव अस अ दीक्षा, हम आपको गुरु बनाना चाहते, मैंने बोला मैं चेला नहीं बनाना चाहता, तो गुरु क्यों? इस संसार में गुरु बनना बड़ा आसान है, चेले बनना मुश्किल। तो कहते कोई गुरु मंत्र दे दो, नारियल लेके आ जाते हैं सर कोई गुरु मंत्र दे, ना गुरु मंत्र है, क्योंकि कोई भी बात आपको हिट करती है वो सॉर्बिट्रेट, कोई भी बात पिछले 40 दिनों में कई बातें बोली, कोई भी बात, किसी ने बोला सर मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, कान बंद आंखें खुली, कान खुले और मुंह बंद रखो, फेयर इनफ, किसी को कोई, किसी ने लिखा हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे स्टेटमेंट को सीरियसली लो, कोई भी किसी भी और जगह से मिलती है, वो गुरु मंत्र बना लो, वो महामंत्र बना लो और वो मंत्र पे विचार करो। और एक मंत्र है यहाँ पे जो मुझे बहुत भाता है और बहुत लोगों को भाता मैं जानता हूँ, और वो है गुणा गुणेशु वर्तन्ते। 31 दिसंबर 1992 को दो आदत, दो शराबी, मैंने कल बताया था, दो शराबी कलकत्ता के चिड़ियाघर में घुस के, दिल्ली में भी हुआ, एक मेंटली चैलेंज एक आदमी शेर की खाई में गिर गया, दिल्ली की बात, शेर खा गया उसको। अब शेर को दोष नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उसका टेम्परमेंट ऐसा। कलकत्ता के चिड़ियाघर में जब दो आदमी शेर को माला डालने चले गए नशे में, तो
शेर ने एक का वही हैप्पी न्यू ईयर कर दिया और एक का हॉस्पिटल में हैप्पी न्यू ईयर हो गया। आप शेर को दोष नहीं दोगे, व्हाई? बिकॉज ही फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज और हर टेम्परमेंट। समझ लीजिए, एवरीवन फंक्शन, नॉट जस्ट एवरीवन, यू आल्सो फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर टेम्परमेंट। इट्स नॉट कि हर कोई है। आप भी अपने टेम्परमेंट को चेंज थोड़ी कर सकते। वेदांत ट्रीटेज में पूरा का पूरा चैप्टर है सेल्फ एफर्ट के, जब आएगा तो हम एनालाइज करेंगे उसको। एक वॉल वाइट है, आप उस पे रेड पेंट डालने लगते हो तो धीरे 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 पिंक होता, पिंक होते 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 एकदम रेड नहीं होता। इट टेक्स टाइम। सो आपको अपने अवगुणों को भी बदलने में, अपने गुणों को भी चेंज करने में, अपने स्वभाव को भी चेंज करने में, इट्स ए टफ कुकी टू क्रैक। अपना स्वभाव भी बदलने में आदमी को इतना प्रयास, मेहनत, एफर्ट, एनर्जी लगती है, और आप चाहते कि दूसरे को मैं बदल दूं? बदल सकते हो, ये आसान मुश्किल भी नहीं है। पैसे से दूसरे के सब दूसरे को टेम्पररी बदल सकते हो। किसी को 10,000 की नौकरी दे दो, 20,000 की नौकरी दे दो, 50,000 की नौकरी दे दो, और सुबह 3 बजे बुलाओ तो नाक रगड़ता आ जाएगा, आएगा। दूसरे को वश में कर लिया है वो आलसी, लेकिन तनख्वाह मिल रही है तो 3 बजे भी आएगा, क्यों आएगा? आपने कंट्रोल कर लिया। किसके बल पे कंट्रोल किया? पैसे के बल पे, कभी नाम के बल पे, कभी रूप के बल पे, बट वो रियल संयम नहीं है। एवरी वन फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परमेंट। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सच्च। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति इसलिए परेशान नहीं, फिकर में ये जगमरा, फिकर है सबका पीर, फिकर में ये जगमरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहो किश। तो अंडरस्टैंड किए, आपकी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं हो, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते। आगे का श्लोक क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 29 अध्याय नंबर 3। प्रकृतिर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। Those deluded by the gunas qualities of prakriti nature are attached to the functions of the gunas. The one of perfect knowledge should not unsettle the dull-witted whose knowledge is imperfect. 26वें श्लोक में जो बात बोली थी 29वें श्लोक में दोबारा बोली है। यदि आपको याद होगा 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण जी ने बोला था कि ज्ञानवान व्यक्ति, श्लोक नंबर 26 में कहा था, ज्ञानवान कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। डोंट बी लाइक ए बुल इन अ चाइना शॉप, अर्थात डिस्टर्ब कर दोगे आप उनको, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है वो इतनी हाईएस्ट नॉलेज को। अब छोटे से बच्चे को टिक्नोमेट्री नहीं सिखाते जी, नर्सरी के बच्चे को विलियम शेक्सपियर नहीं पढ़ाते। अब छोटे से बच्चे को जाके केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते, उसके लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है। इसी तरह से स्पिरिचुअल में एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है, स्पिरिचुअलिटी में एक रेंज है। और क्या किया जाता है? नर्सरी क्लास स्पिरिचुअलिटी की, नर्सरी क्लास के बच्चों को हाइएस्ट मेडिटेशन करवा देते जेलों में जाके। किसको? जिसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत लो है, उनको आप जाके मेडिटेशन करा रहे। इट्स लाइक ए नर्सरी क्लास के बच्चे को आप टिक्नोमेट्री पैथागोरस थ्योरम सिखा रहे। होगा क्या? कोलैप्स हो जाओगे।
सो भगवान जी बार बार बोल रहे हैं, दो बार लगातार 26वें श्लोक में बोला, अब 29वें दोबारा बोला। देखिए उपनिषद शास्त्र रिपीट बहुत कम चीज करते हैं, ये कोई शिवेंद्र नागर का लेक्चर नहीं है जो बार बार रिपीट होता है, उपनिषद उसमें रिपीट नहीं है बहुत ज्यादा। रिपीट आप कब करते हो? जब पता हो कि इसको समझ नहीं आ रही। उपनिषद में 5 बार एक बार रिपीट करी गया, वेरी रेयरली यू फाइंड उपनिषद उपनिषद में तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि वेदम यदि तुम उपासते। जो आंख के भीतर आपको दिखा रहा, ध्यान से सुन लीजिएगा, 5 बार लगातार केनो उपनिषद ने रिपीट किया है बार, तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते, 5 बार। जो आंख के भीतर आपको दिखा रहा है वो परमात्मा है, ना कि वो जिसकी आप यहां पे पूजा कर रहे हो। इट्स नॉट माई वर्ड, इट्स उपनिषद। हिंदू धर्म की सबसे हाईएस्ट टेक्स्ट उपनिषद कहते हैं तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। जो आपके जबान के भीतर आपको बुलवा रहा है वो परमात्मा है, ना जिसकी आप यहां पे पूजा कर रहे हो। उपासते 5 बार लगातार। हम गीता जी की तो, गीता जी को तो बहुत मानते हैं, वेदों को मानते हैं, वेदों की नहीं मानते। यही बात यहां पर, हर कोई भीड़ चाह रहा है, भीड़ है, ज्यादा लोग सुने, ज्यादा सत्संग, ज्यादा लोग भंडारे करें, ज्यादा भीड़ है। 48 लाख लोग थे महाभारत में, एक ने सुना। शंकराचार्य के 4 डिसाइपल थे बस, शंकर आदि आज जिनकी जन्मदिन है जिनका, आज के दिन अवतरित हुए थे आदि शंकराचार्य, कालड़ी के पास जगह है, वी बीन टू दैट प्लेस जहां पे उनका जन्म हुआ था, लिटरली जिस कमरे में उनका जन्म हुआ, स्वामी चिन्मय मिशन का आश्रम है वो जगह। शंकराचार्य क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मन है, ये जो आत्मन है, वो हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया, लेकिन उनके शिष्य से चार शिष्य, क्राइस्ट के 11 शिष्य थे, एक पिटरे 12 थे, एक पिटरे करते, बुद्ध के 5 थे, बुद्ध के 5। यदि आप जाइए काशी के पास, जगह है साधना जहां पे उन्होंने ज्ञान दिया था, 5 शिष्य बुद्ध है, ओनली 5 डिसाइपल, शंकराचार्य हैज 4 डिसाइपल, क्राइस्ट हैज ओनली 12 डिसाइपल्स, गुरु गोविंद सिंह के 5 पंच प्यारे थे बस। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम भीड़ ढूंढते ज्यादा ज्यादा, ठीक है भीड़ इज नॉट ए नेगेटिव, लेकिन रियल स्टूडेंट बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। एक ही रामकृष्ण परमहंस जी का एक ही शिष्य बना और उस एक ने कयामत कर दी, एक आदमी ने सुनी भगवत गीता और कयामत आ गई दुनिया में। तो ज्ञानी को शौक नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया को ठीक कर दूं। क्या कहते हैं, प्रकृति के गुणों से मोहित पुरुष गुणों में फंसे हुए नाकम जानने वाले मंद बुद्धियों को पूर्ण जानने वाले विचलित ना करें, विचलित ना करें। मेरी भजगोविंदम की क्लास थी, एक क्लास थी और मैंने वो लेक्चर दिया, लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद उस लेक्चर में टॉप मैंने बोल दी, ये दुनिया सिगरेट की तरह है, जब तक आपकी लोग जरूरत रखते हैं लोग आपको मुंह पे लगा के रखते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो पांव के नीचे दबा देते हैं। मैंने बात बोल दी, एक लेडी ने सुनी, घर गई, हस्बैंड ने पूछा क्या सुना शास्त्र में, तो कहता आपका मेरा संबंध सिगरेट की तरह है, जब तक आपको जरूरत है उसके बाद पांव के नीचे दबा के चले। झगड़ा हो गया उनके घर पर, झगड़ा हो गया, कारण कौन बना, स्वामी शिवेंद्र नागर, इकड़े स्वामी दे पीछे जा रही है तू आजकल, झगड़ा।
मंद बुद्धियों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न ना करें। ऐसा बहुत है, बहुत होता है ऐसा। नर्सरी क्लास के बच्चे को आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ाते, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाते। नर्सरी क्लास के बच्चे को आप क्या पढ़ाते, ए फॉर एप्पल। लेकिन अध्यात्म में क्या होता है, आंखें खोल देखिए अपने आसपास क्या, बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या कर रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मर्यादा में नहीं है। एक दिन का कोर्स, चार दिन का कोर्स, एक हफ्ते का कोर्स, पूरी दिन आपको बिठा देती है और आपको क्या कर देती है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ये वाली पद्धति करो, ये वाली पद्धति करो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं ज्ञानी आदमी अज्ञानियों की मन में बुद्धि उत्पन्न ना करे। फिर क्या करें, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब श्लोक जो आता है वो मूल मंत्र है गीता जी का, गीता जी का तीसरे अध्याय का एसेंस है ये श्लोक, कि हाउ टू परफॉर्म ए राइट एक्शन, ए टेक्निक ऑफ राइट एक्शन। सो प्लीज अगले 30 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज अ टेक्निक ऑफ अ राइट एक्शन, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 30। महि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। महि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। Renouncing all action in me, with thoughts resting on the self, free from hope and attachment, fight without mental fever. कर्म कैसे किया जाए उस पर चर्चा है यहाँ पे, टेक्निक ऑफ राइट एक्शन। काफी काफी इसमें, इस श्लोक में मसाला है, काफी इस श्लोक में आइडियाज है जो आपको मुझको थोड़ा समय देना पड़ेगा समझने के लिए। कहना क्या चाहते हैं भगवान जी सारे कर्मों को, एक एक सेंटेंस इसका इंपॉर्टेंट है, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके। आप कर्म किस लिए कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग एनी एक्शन। ज्यादातर हम कर्म पैसे के लिए करते हैं, पैसा मिलता है तो करते हैं, पैसा नहीं मिलता तो नहीं करते, या फिर हम ज्यादा कर्म करते हैं शरीर के लिए कर्म करते हैं, शरीर को चाहिए उसके लिए करते हैं, ठंड है गर्मी है उसके लिए कर्म करते हैं, या फिर बच्चों के लिए परिवार के लिए कर्म, या नाम सम्मान के लिए कर्म करते हैं। भगवान जी कहते हैं अपने सारे कर्मों को मेरे लिए कर। Is this action takes you towards the self-realization or not? Is this action takes you towards higher goal or not? तो पहला पॉइंट है सारे कर्मों को मेरे मुझ में अर्पण करके, विचारों को मुझ में लगा के, thoughts rest on me। सारे कर्मों को मुझ में लगा के, सारे विचारों को मुझ में लगा के, आशा ममता और संताप रहित। Renouncing all action in me, with thought resting on self, free from hope, attachment and mental fever, fight without excitement। मन तीन जगह भागता है जी, पास्ट की वरीज ऑफ द पास्ट, एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर एंड एक्साइटमेंट ऑफ द प्रेजेंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारा मन तीन जगह भागता है, भविष्य की चिंता, भविष्य की एंजाइटी, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पास्ट की वरी, भूतकाल की चिंता और वर्तमान की एक्साइटमेंट। ये तीन लेवल पे मन भागता है, इसको छोड़ के तो युद्ध कर, तो युद्ध कर। समझिए, एक्शन शुड जनरेट एनर्जी, ये मिथ है बहुत ज्यादा,
कि एक्शन आपकी एनर्जी को सैप करता है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि कर्म में मुझे थका दिया। कर्म कभी नहीं थकाते आदमी को, प्लीज समझिएगा। ये बहुत बड़ी मिथ है कि मैं कर्म में थक गया, आलस ज्यादा थकाता है। कर्म नहीं थकाते, एक्शन शुड जनरेट एनर्जी। इस दुनिया में तीन तरह की बैटरी होती है, एक है यूज एंड थ्रो बैटरी, ये घड़ी की बैटरी है यूज एंड थ्रो बैटरी, 6 महीने चली, साल चली, उसके बाद यू थ्रो इट, गेट अ न्यू वन, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ये यूज एंड थ्रो बैटरी है। दूसरी मोबाइल की बैटरी है, आईपैड की बैटरी है, सारा दिन चलाई, खत्म होगी, आपने रिचार्ज कर दी, एक यूज एंड थ्रो बैटरी है। इसको रिचार्ज नहीं कर सकते इसकी सेल, इसके सेल को रिचार्ज हो रहा है। तीसरी है सेल्फ प्रोपेल्ड बैटरी, अर्थात वो बैटरी जो एनर्जी जनरेट करे, जैसे पुरानी कारें होती थी, जब कार की जो बैटरी होती है जितनी चलाते हो उतनी उसके अंदर बैटरी चार्ज होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड बैटरी होती ना। कुछ लोग होते बहुत जल्दी थक जाते, I'm tired, by the way no dog is ever tired, मैं थक गया, मेरे में तो ऊर्जा ही नहीं। ऐसी बैटरी यूज एंड थ्रो बैटरी है, 60 साल तक चलती है, 60 साल तक चलती है, फिर गवर्नमेंट आपको या आपको रिटायरमेंट हो जाती है, फिर गली किसी पार्क में बैठ के ताश खेलते या किसी क्लब में जाके कार्ड खेल देते। जो लोअर लेवल है वो सड़क पे बैठ के ताश खेल देते, जो थोड़े से हायर लेवल है वो क्लब में बैठ के कार्ड खेलते। दैट्स ऑल, होना ना कुछ नहीं चाहिए, होना बड़ा काम कर लेता। They are use and throw batteries, please. थक गए, ऊर्जा नहीं, टायर्ड हो जाते। कुछ लोगों के अंदर ऊर्जा होती है, काम करते हैं, ऊर्जा टायर्ड खत्म हो जाती है, एंड देन दे गेट कनेक्टेड टू सम स्वामी, सम स्पिरिचुअल मास्टर, कुछ के साथ जुड़ते हैं, वो बैटरी चार्ज कर देता है, वो बैटरी चार्ज करता है, अगेन हम कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन रियल इंडिविजुअल है जो सेल्फ प्रोपेल्ड हो, उसको चार्ज करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। और वो कब संभव है? जब आप सारे कर्म का लक्ष्य क्या, जितना लक्ष्य लोअर है उतनी ऊर्जा कम है, जितना लक्ष्य हायर है उतनी ऊर्जा ज्यादा है, और जितना लक्ष्य जिसका लक्ष्य हाईएस्ट है उसमें एक्सट्रीम ऊर्जा। एक बच्चे को 1 घंटा पढ़ने को बोलो, कहता मैं थक गया, ऊर्जा नहीं है। लेकिन उसी बच्चे का जब एग्जामिनेशन होता है, 12th का बोर्ड होता है, पूरा 3 घंटे लिखता रहता है, लिखता रहता रहता है, 3 घंटे के बाद जब मैडम आती है कि पेपर दे, जस्ट 2 मिनट मैडम, 2 मिनट मैडम, कहां से आई ऊर्जा उस बच्चे में? वो बच्चा जो आधा घंटा पढ़ने बैठा पढ़ सकता था, वो 3 घंटे लगातार यहाँ घंटे पढ़ जाते हैं, फिर भी लिखता रहता है, कहां से आई ऊर्जा? एक आदमी 8 घंटे काम करता है, थक जाता है, I'm so tired, लेकिन उसी की बेटी की या बेटे की शादी होता है, होती है, महीनों भर ऊर्जा रहती, कहां से आती ऊर्जा? प्लीज समझे, हम सब में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। We don't use even 5% of our capacity. हमारे अंदर जितनी ऊर्जा है ना उसका 5% भी यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, बहुत है ऊर्जा। बच्चे को देख लो, खेलता है क्रिकेट, खेलता है सारा दिन खेल, और घर आके टेबल टेनिस खेलता, कहां से आती ऊर्जा? तो भगवान क्या कहते हैं? You should, action should generate energy. Action should not dissipate energy. Karm urja create kare. Aur karm urja kab create karta hai? Pehla point. Jab aapka lakshya kya ho? Higher ho. Action should itself should create energy. Dusri baat hai. Action should not dissipate energy.
ये गिलास है, इसमें मैं पानी तो डाल रहा हूं लेकिन अंदर छेद है, लीक हो रहा है, तो डाल तो रहा हूं लेकिन लीक हो रहा है। तो कई बार एनर्जी जनरेट तो कर लेता आदमी लेकिन वो डेसिपेट होने शुरू हो जाता है। तो एक्शन जनरेट कब होता है? जब लक्ष्य हो पहली बार, दूसरा जब मन और बुद्धि मुझमें अर्पण, मुझमें अर्पण कर दो अपने विचारों को, मुझमें अर्पण कर दो अपने थॉट्स। जब सेनर्जी हो मन बुद्धि में तो ऊर्जा है, जब सेनर्जी ना हो तो ऊर्जा नहीं आता। जब मन बुद्धि इकट्ठे हो तो ऊर्जा है, जब मन बुद्धि में डिवीजन हो पार्टीशन हो तो ऊर्जा नहीं है। हस्बैंड वाइफ भी इकट्ठे हो तो घर में ऊर्जा है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी घर में इकट्ठे हो सेनर्जी हो तो घर में ऊर्जा है। और घर में हस्बैंड वाइफ का 36 का आंकड़ा है तो घर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, डलनेस हो जाती है। यू गो टू दैट होम तुम्हें पता चल जाता है यहाँ पे अभी लड़ाई हुई। अच्छा हस्बैंड वाइफ में एनर्जी हो सेनर्जी हो घर ऊर्जा हो जाता है, जहां स्टाफ में सेनर्जी हो ऊर्जा हो जाती, एक एंथुजियाज्म आ जाता, एक जोश होता है। एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट, जहां सबका गोल इकट्ठा हो एनर्जी हो जाती है उससे। हम ऋषिकेश में जाते थे कैंप करने, शुरू में एकदम 40-50 लोग थे, एक ऊर्जा होती थी, एक ऊर्जा थी उस कैंप। अब हमारे शाह ऑडिटोरियम में लेक्चर होते थे साल में, लोगों को देखो एक ऊर्जा थी क्योंकि सबके अंदर सेनर्जी आ गई, एक डायनामिज्म होता था, एक एंथुजियाज्म होता। वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम को देखो, 11 प्लेयर में ऊर्जा आ जाती। तो ऊर्जा कब आती? जब पहला पॉइंट है ऊर्जा कब आती, बादाम खाने से नहीं आती, डोंट ट्राई। अखरोट खाने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है पहली पॉइंट है लक्ष्य। दूसरा जब मन बुद्धि इकट्ठे मिल जाए, मन कुछ और कर रहा है बुद्धि कुछ और कर रही है, आप उसको गिल्ट से करते, ऊर्जा नहीं। मन कर रहा है, मेरा मन करता है आपसे भगवत गीता पे चर्चा करने का, जेन्युइनली कर, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा है। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू अबाउट भगवत गीता एंड आई डोंट नो, मेरे सामने कोई भी नहीं है, अ ब्लैंक कैमरा है, एक कैमरा क्या है, आईपैड है, लेकिन माइंड में इंटेलेक्ट को पता है कि इतने लोग सुन रहे हैं, 250-300 लोग तो जूम इन है, उसके बाद एक घर में 2 या 3 भी सुन रहे हैं तो उसके प्रपोर्शन देखे, उसके बाद यूट्यूब में आया लोग और आगे भेज रहे, तो इट्स एटलीस्ट 1000 पीपल आर वाचिंग दिस प्रोग्राम एट दिस जंक्शन। ऊर्जा कि आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट भगवत गीता, मन मेरा करता है आपसे बात, पहले दिन की ऊर्जा और आज की 30-32 दिन बाद में ऊर्जा डल नहीं हुई मेरी। I don't think 40 के बाद, पिछले 25 साल से नहीं हुई, अब क्या होगा? मन करता मेरा, और मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं आपसे, किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं? जो श्रेष्ठ, कभी देख लेना जो माँ अपने बेटे से बड़ा प्रेम करती है ना, उसके बारे में जब चर्चा करती है उसकी चेहरा खिल जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है। उसके राजू के बारे में बात कर, राजू कैसे, ओ बहुत एंजॉय कर, वेरी नाइस, उसकी बात रुकती नहीं है, क्यों? क्योंकि मन बुद्धि जुड़ गई है। तो जिस काम में मन करता है बुद्धि कहती है ग्रेट, लक्ष्य हायर है, मन बुद्धि जुड़ी हुई है, आप में इतने उत्साह आ जाएगा, इतनी ऊर्जा आ जाएगी, इतना एंथुसियाज्म आ जाएगा कि आपकी बैटरी कभी भी वीक होगी ही नहीं। लेकिन वो काम कर रहे हैं जिसमें पसंद ही नहीं है, कर रहे हो क्यों कर रहे हो? तनख्वाह मिलनी है महाराज जी, नगद नारायण आनी है बस। कैसे जाते हैं देखो, मैं 2 जगह तीर्थ यात्रा करने जाता हूँ लास्ट साल में, एक बार जरूर जाता हूँ 2 जगह तीर्थ यात्रा करने। एक है अब तो नहीं गया, टाइम स्क्वेयर, न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वेयर। I just watch
जगह है, अब तो दुकान तोड़ दी, वो नहीं बन रही है, टॉयज आर अस करके 5 मंजिल की ह्यूज शॉप थी, अब तो तोड़ दी उसे। और मैं जस्ट वॉच किड्स, 10 में से 5 बच्चे जो निकल रहे होते हैं उस टॉयज आर अस शॉप से, खिलौने की दुकान है बहुत बड़ी, जिनको नहीं पता उनके लिए 5 मंजिल की बहुत बड़ी खिलौने की दुकान है, खिलौने 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 टॉयज डिफरेंट डिफरेंट, 10 में से 4 या 5 बच्चे जो निकल रहे होते हैं हाथ में चार चार पैकेट टॉयज के, रोते हुए निकल रहे होते, लिटरली लिख रहे हैं। एंड जस्ट आई वॉच किड्स, आई जस्ट टेक अ कप ऑफ टी और कॉफी एंड वॉच पीपल, रोते हुए बच्चे, मैं सोचता हूँ भगवान भी यही कहता होगा, कितना कुछ दिला देता है। पहली बार मैंने यही नोटिस किया था, सरदार जी बच्चे जा रहे थे, 2 बच्चे थे, 4-4 बैग हाथ में थे, रो रहे थे, सरदार जी कहते इतना कुछ दिला देता कभी खुश होंगे नहीं, इतना कुछ दिला दिया कभी तुम खुश नहीं होते। मैं सोचता कि नेचर भी ये सोचते हुए कितना कुछ मिला, तो आई वॉच दैट प्लेस। सेकेंड है बॉम्बे का, बॉम्बे VT स्टेशन, VT या चर्च गेट दोनों में से कहीं, छत्रपति शिवाजी नाम होगा उसका, लास्ट लोकल स्टेशन है, उसके बाद कोई लोकल स्टेशन। और आपको मालूम होगा जो VT स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन, उस वो जो लोकल आते हैं दोनों तरफ प्लेटफॉर्म, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लोग उतर रहे होते हैं, दर दर तक भाग रहे होते, भाग रहे होते, लेकिन किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। I just watch people. ऐसे जा रहे होते जैसे किसी के मातम में जा रहे हो, क्रिया में जा रहे हो, या मैरिन ड्राइव पे खड़े हो जाओ, मैरिमन पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वो जो क्रॉसिंग है एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने से क्रॉसिंग है, जो चौपाटी से रास्ता आता है, चौपाटी से जो रास्ता आता है जिसे गोल्डन नेकलेस कहते हैं, गोल्डन क्वींस नेकलेस जिसे कहते हैं, यू जस्ट वॉच। मेरे गुरुजी स्टैंड्स एंड वॉच समथिंग, वो जाते थे वहां खड़े होते थे, आई जस्ट वॉच पीपल, मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं, मोस्ट BMW में जा रहे हैं, और शक्लें कैसी हैं, एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि लक्ष्य लोअर है, लक्ष्य लोअर है तो आपकी ऊर्जा क्या हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है। तो सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, सपोज आपको प्रिंसिपल बुलाता है, स्कूल का प्रिंसिपल बुलाता है, हे सचिन इधर आ, ये किताब मधु गुप्ता मैडम को दे क्या, कैसे करेगा वो काम लड़का, प्रिंसिपल बुलाता है एक लड़के को, हे सचिन इधर आ, ये किताब मधु गुप्ता मैडम को दे, कैसे करेगा वो काम, थोड़ के जाएगा, भाग के जाएगा, और घर मम्मी को बोलेगा पता मम्मा प्रिंसिपल को ना मेरा नाम भी पता, क्या काम दिया प्रिंसिपल ने, एक किताब देने का। और बच्चा मना कर दे तो प्रिंसिपल के पास बच्चों की कमी नहीं है, किसी और को दे देंगे। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति हर काम इस भाव से करता है कि प्रभु ने मुझे एक काम दिया, प्रधानमंत्री जी भी आपको कोई काम दे दे आपके अंदर आप खिल जाओगे, प्रधानमंत्री जी आपको बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, ये इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी है, बैकरूम डिप्लोमेसी कहते हैं, बैकरूम डिप्लोमेसी होती है जिसमें प्रेस रिपोर्टर्स को या रिलीजियस लीडर्स को या इनको भेजा जाता है बैकग्राउंड में, क्योंकि रियल डिप्लोमेट्स के हाथ में नहीं भेजते। कुलदीप नैयर यूज्ड टू डू इट, आई हर्ड दैट। सपोज प्रधानमंत्री जी आपको पर्सनल एक लेटर देके ट्रंप के पास भेजते हैं, यू हैव टू गो एंड गिव दिस लेटर पर्सनल टू, क्या हो जाओगे आप, अपने पावर आ जाएगी, किसका काम कर रहे हो, भारत सरकार, आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हो, आप में ऊर्जा कम है, आप टाटा के लिए काम करते हो ऊर्जा ज्यादा है, अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हैं ऊर्जा और ज्यादा है, अब भारत सरकार के लिए अम्बेसडर की तरह काम करते हैं आपने ऊर्जा बहुत है, और हर कर्म को इस भाव से करो ये कर्म मैं नहीं कर रहा, प्रभु ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर, हर कर्म को ब्रह्मार्पणम कर दो,
मैं नहीं कर रहा, गीता मैं नहीं पढ़ा रहा, नेचर ने मुझे इस कर्म के लिए चूज किया और कब तक करूंगा, जब तक प्रकृति चाहेगी। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो, टीचर, बुचर, प्रीचर, वेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी कर्म आप कर रहे हो वो ब्रह्मार्पण कर दो, ऊर्जा आ जाएगी, मन बुद्धि युक्त करके करो, ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो ऊर्जा आई है ये डेसिपेट ना हो, बेकार के चैनल से निकले ना, वो हम डिस्कस करेंगे कल शाम को 7 बजे इसी विचार के साथ। हरि ओम तत्सत्। ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।